माना यही जाता है कि किसी कॉरपोरेट घराने या औद्योगिक घराने के अगर हवाले चीज़ें कर दिया जाए, जैसे लाल किले को कर दिया गया है, एक वक्त में हॉस्पिटल भी दे दिया गया था, ये गुजरात का हॉस्पिटल है, बड़ा ग्रुप है, ये कॉरपोरेट ग्रुप काफ़ी नामी है। इस रिपोर्ट को देखिए समझ जाइएगा, लेकिन दिखा क्यों रहे हैं यह भी समझ जाइएगा। ये हॉस्पिटल है ना, इसके अडानी जी के हॉस्पिटल की बेदरकारी से मेरे बच्चे की मौत हुई है, ये पूरा ये जवाबदार है। अडानी और डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी बेबी का डेड हो गया। लोगों का ये दर्द और गुस्सा भुज के उस सरकारी अस्पताल के खिलाफ है, जिसका संचालन और कोई नहीं देश का नामी समूह करता है। नाम है अडानी समूह, और इसी अस्पताल के डॉक्टरों के दामन पर पिछले 17 दिनों में 19 बच्चों की बेवक्त मौत का दाग, और ये दाग तब और गहरा हो जाता है जब बीते 4 बरस का रिकॉर्ड खंगाला जाता है। आंकड़े कहते हैं इस बरस के शुरुआत के 5 महीनों में ही अस्पताल में 111 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। साल 2017 में 258 नवजात शिशुओं की मौत हुई, 2016 में 184 और साल 2015 में 164 नवजात बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ा। मतलब बीते 4 बरस में 700 से ज्यादा बच्चे इस अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अब भी अपनी गलती छुपाने में जुटा है। ये अडानी कत्ल खाना में बोलता हूँ, कसाई खाना में बोलता हूँ उनको, क्योंकि यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। यानी बाहर जो बच्चे का जन्म हुआ है वो उसका एडमिशन रेशो जब बढ़ता है तो थोड़ा सा डेथ रेशो उस साल में बढ़ा गया है। अस्पताल सरकारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए अडानी समूह को यह अस्पताल 99 बरस के लिए लीज पर दिया था, और तभी से अस्पताल प्रबंधन विवादों में है। फिर भी जांच की आंच इस अस्पताल तक कभी नहीं पहुंची, और अब जब बच्चों की मौत की खबर दूर पकड़ रही है तो सरकारी महकमे की नींद टूट रही है। वहाँ के डॉक्टर से, मेन जो अथॉरिटी से, इन लोगों से मैंने रिपोर्ट मंगाया है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हेल्थ डिपार्टमेंट से भी एक टीम की रचना की गई है। क्यों देश में सरकारी अस्पताल पहले ही आईसीयू में है, और ऐसे में जब किसी अस्पताल को देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के हाथों में दे दिया जाए तो उसकी नियत और उसकी समझ आईसीयू से भी बुरी हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।